बोतल में पेट्रोल न देने को लेकर बड़ा विवाद। पंप कर्मचारी के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कांट रोड पर श्री साई फिलिंग स्टेशन पर उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक बोतल में पेट्रोल मांग रहा था। पेट्रोल न देने पर युवा को पहले नोकझोंक हुई, फिर उसके 10 मिनट बाद कहीं से पेट्रोल आकर पेट्रोल कर्मचारी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई। इस बीच पेट्रोल की बोतल की छीना झपटी मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप मैनेजर ने तुरंत ही पुलिस को सूचना देकर युवक को गिरफ्तार करा दिया। हरथला के श्री साई फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। सेल्समैन शमशाद आर्थो रामरतन गाड़ियों में तेल दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बोतल लेकर आया और बोतल में तेल मांगने लगा, लेकिन सेल्समैन द्वारा शासन के आदेश के अनुसार बोतल में तेल न देने की बात कही। किसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ गया। उस समय युवक पेट्रोल पंप से चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वापस बोतल में तेल लेकर आया और सेल्समैन रामरतन शमशाद से झगड़ा करने लगा और दोनों के ऊपर उसने पेट्रोल फेंक कर लाइटर से आग लगाने की कोशिश की। इसी बीच वहां पर मारपीट भी हुई जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तुरंत ही पेट्रोल पंप कर्मचारी ने भागकर उसको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज मुकदमा, डीएम के आदेश के बाद बोतल में पेट्रोल देने पर रोक लगी है। द्वारा तेल बोतल में ना दिए जाने पर उनके साथ जो है पेट्रोल पंप तेल लेकर आया, उसके बाद तेल छिड़का है, क्या है पूरा मामला? सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पे एक व्यक्ति खुली बोतल में पेट्रोल लेने आया था, वो पेट्रोल कर्मियों ने देने से मना कर दिया। इसी बात पे वाद विवाद हो गया, तो फिर वो बाद में किसी नेत्र स्थान से पेट्रोल भर के लाया था और उन पर छिड़कने की कोशिश की, और उसके बाद वहाँ पे आसपास लोगों ने उसे पकड़ लिया और इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा लिखकर इसके ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मानते हैं कि इसकी भी जांच की जाएगी, जो अदर पेट्रोल पंप द्वारा या कैसे किस तरीके से क्या बोतल में तेल दिया गया, ये विवेचना में इसमें देखा जाएगा कि उसके पास किस तरह से पेट्रोल उससे मिला और आगे की कार्रवाई कौन करी जाएगी।